राजधानी भोपाल से ये मामला सामने आया है, जहां सीएम निवास के नाम पर फोन करके धोखाधड़ी करके पैसे मांगे गए। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस की मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास के 3.5 लाख रुपए चेक की राशि के लिए पैसे और दस्तावेज मांगे थे। आरोपी मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाली सिम की सीरीज के लास्ट डिजिट चेंज करके फोन लगाता था। आरोपी का चाचा धीरज मास्टरमाइंड है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई। चूंकि ये एक शासकीय योजना से संबंधित मामला है और जिसके हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना और किसी भी प्रकार का इसमें धांधली ना हो, कोई हेरफेर ना हो, कोई ठगी ना हो, इसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई एक आवेदक से और उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल ही उस पर टीम बना के कार्रवाई प्रारंभ करी और टीम के द्वारा अन्य प्रदेशों में भी एक साथ जो है रेड करके जानकारी प्राप्त करके आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और अन्य आरोपी के नाम भी पुलिस ने इसमें प्राप्त कर लिए हैं। उनको भी जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करने के बाद जो पूरा गिरोह होगा उसका खुलासा।